हमने पहले इसमें सेकंड एक्सरसाइज की थी, फर्स्ट नहीं की थी। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब हम रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस। अनिल, आपका और कोई रहता है या हो गया? जी ऑफ एफ ऑफ जी वो वाला है जो वो टाइप ऑफ जी ऑफ एफ जी वो सब आता है ना, वो तो सिलेबस में नहीं है ना। तो हमारे में तो कराया था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सिलेबस में है। सर मैं पूछना होगा मैम से, हमें कराया तो था। पूछ लेना। देखो बच्चों, रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? फंक्शंस हम कर चुके हैं, रिलेशन कर रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? जैसे ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। ए में थ्री एलिमेंट है, ए बी सी तीन एलिमेंट है, यहाँ पर भी या कम ले लो, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक वन को हम ए से एसोसिएट कर सकते हैं, टू को भी ए से एसोसिएट कर सकते हैं, थ्री को भी ए से एसोसिएट कर सकते हैं, वन को बी से एसोसिएट कर सकते हैं, यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं, यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ से ए से बी तक एक रिलेशन रिलेशन बन गया, और वो रिलेशन क्या कर रहा है? वन को ए से एसोसिएट कर रहा है, वन को बी से एसोसिएट कर रहा है, टू को ए से एसोसिएट कर रहा है, टू को बी से एसोसिएट कर रहा है, राइट। ये है आर इज रिलेटेड विद, आर रिलेट्स वन टू ए, वन टू बी, टू टू ए, टू टू बी, थ्री टू ए एंड थ्री टू बी। आर क्या कर रहा है? इन सारे एलिमेंट को आपस में रिलेट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट आपस में एसोसिएट हों। जैसे आर क्या कर, आर टू एक रिलेशन जो सिर्फ वन को ए से एसोसिएट करेगा, थ्री को बी से एसोसिएट करेगा, ये भी रिलेशन है। आर थ्री एक रिलेशन है जो वन को ए से एसोसिएट कर रहा है, टू को बी से एसोसिएट कर रहा है, ये भी एक रिलेशन है। तो ए से बी तक डिफरेंट रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। अगर एक रिलेशन होता है ए क्रॉस बी, क्या होता है ए क्रॉस बी? ये ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट्स होते हैं? इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये जो हमने पहला रिलेशन लिखा था जिसमें फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से एसोसिएट होता है, वो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट। जैसे हमने लिखा था वन ए वन बी, टू ए टू बी, थ्री ए थ्री बी, राइट। बाकी सारे रिलेशन ए क्रॉस बी के ही सबसेट होते हैं, बाकी के सारे रिलेशन ए क्रॉस बी के ही सबसेट होते हैं। अनिरुद्ध, आप नीचे क्या पढ़ते रहते हो? सर मैं वापस दिख रहा हूँ जो भी आप बोल रहे हो नीचे, बट आप तो नीचे देख के पढ़ रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं? सर जो आप लिख रहे हो वही कर रहा हूँ। वो लिख रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ उसको बेटा सामने देखो, मैं कुछ लिख रहा हूँ आप कुछ और पढ़ रहे हो, आपको समझ कैसे आएगा फिर? वन, ठीक है, ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने डाउट हो गया सर, एक तो फिर तुम आ क्यों नहीं रहे? या तो अच्छा, कौन आउट हो गया? कोई और हो गया? देवेश। अच्छा देवेश। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चों एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं। यूनिवर्सल रिलेशन किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। थर्ड होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन फाइव होता है ना,
रुक जा बेटा रुक जा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, फोर्थ होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। पांच टाइप के हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, फाइव टाइप के रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लास्ट ईयर भी किया था हमने, उसी के बराबर होता है। जब ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट से एसोसिएट होता है तो हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है बताओ, अब बताओ कौन बोल रहा था? अनिरुद्ध, एम्प्टी रिलेशन, व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, बस फाइव कोई रिलेशन होता। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, नो एलिमेंट। जैसे रिलेशन क्या है, दो सेट्स के बीच में है। अर्जुन समझ आ रहा है? यस सर। अर्जुन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ये समझ आना चाहिए, नहीं आता तो मुझे बताओ सर। सर नहीं सर, यहाँ पे कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन, जैसे मान लो यहाँ तीन एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी तीन या चार कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो कोई जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट से एसोसिएट नहीं होता है, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट वन इज एसोसिएट विद एनी एलिमेंट, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट वन इज एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट, सॉरी नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर इज सेट टू बी एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है तो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और एम्प्टी रिलेशन फाइव से डिनोट होता है, एम्प्टी रिलेशन होगा तो इसमें कोई अच्छा, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए विल एसोसिएट विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट, तो ये एम्प्टी रिलेशन होगा। सेकंड, थर्ड सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जरूरी है बच्चों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता नहीं आज कुछ ऐसा लग रहा है कि ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं सर, थोड़ा सिस्टमेटिकली नहीं बताया जा रहा कुछ ऐसा, जैसे पूरी कंसंट्रेशन जब नहीं होती है ना, थोड़ा कुछ पूरा कंसंट्रेशन बंद नहीं रखे है। रब करके सकते हो, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। और ये भी कार्तिकेय की बात ठीक है कि कर क्या सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं भी बन रही तो भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही। और इतने तो फिर कर सकते हो क्या? और कार्तिकेय थोड़ा आराम से बोल, समझ में नहीं आया। अगर आपको मन नहीं लग रहा तो आप छोड़ सकते हो, बाद में जब आपका मन लगे तो आ सकते हो। नहीं, मन वाली बात नहीं है, बट वैसे ही मुझे ही ऐसा लग रहा है कि उतना मतलब सही ढंग से नहीं हो पा रहा। देखो जरा, हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छा लग रहा था। ओके फाइन। देखो बच्चों, ये सेट ये हमारा, मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में बी सेट अलग सेट होना चाहिए। रिलेशन अगर इधर ए होगा तो ए सेट से ए सेट तक भी हो जाएगा, राइट। बेसिकली रिलेशन करता क्या है, रिलेशन तो दो एलिमेंट्स के सेट, एलिमेंट दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट करता है। अगर दोनों साइड सेम एलिमेंट है, अर्जुन सीधे बैठो, अर्जुन ऐसे बैठा करो, ऐसे कैसे ऐसे झुक जाते हो, ऐसे बैठो,
रिलेशन रिलेशन जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट सेट्स के लिए डिफाइन होगा, दोनों साइड सेम एलिमेंट भी सेम सेट भी हो सकते हैं। तो रिलेशन क्या करेगा, रिलेशन तो दो एलिमेंट को आपस में एसोसिएट करता है, तो यहाँ पर वो दोनों सेम सेट्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट कर देगा, जैसे कि लाइक इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो दोनों साइड सेम सेट भी हो सकते हैं। और जो हमारे इसमें इस एक्सरसाइज में या हमारे सिलेबस में जो रिलेशन है, वो सारे रिलेशन दोनों ऐसे ही रिलेशन है जो सेम सेट से सेम सेट तक डिफाइन होंगे। हमारे इस सिलेबस में डिफरेंट सेट वाले रिलेशन नहीं है कि ए से बी तक डिफाइन हो। हमारे कोर्स में जो रिलेशन है वो सारे ऐसे रिलेशन है जो ए सेट से ए सेट तक डिफाइन होंगे, ठीक है। तो इससे आगे जब भी हम रिलेशन मानेंगे तो यही मानेंगे कि दोनों साइड एक जैसा ही सेट है, लेफ्ट साइड में जो सेट है राइट साइड में भी वही सेट है। तो लेफ्ट साइड के सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट राइट हैंड साइड के सेट में भी होंगे, ठीक है, करेक्ट। तो मैं बात कर रहा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे बच्चों, बताओ जरा बताओ। ये A सेट है, इधर भी A सेट है। A सेट में जो एलिमेंट्स हैं, मान लो कोई एलिमेंट X है तो X इधर भी होगा क्योंकि दोनों साइड सेम सेट हैं। अगर A सेट का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होता है, A सेट का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड है, तो रिलेशन को कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। A सेट का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड है तो रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे y यहाँ कोई एलिमेंट है तो y अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए, z यहाँ कोई एलिमेंट है तो z अपने आप से जरूर एसोसिएट होना चाहिए। मान लो यहाँ पर a एलिमेंट है और a अपने आप से एसोसिएटेड नहीं है, ये तीन एलिमेंट तो एसोसिएट हो गए लेकिन एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो अपने आप से एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंपलसरी है, एवरी एलिमेंट मस्ट एसोसिएट टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने आप के साथ एसोसिएट होना चाहिए तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है विच इज नॉट एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो जरा, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, ये सिंबल क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब ए सेट का कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, ए इज रिलेटेड विद ए, ए से रिलेट होना चाहिए, ए से रिलेट होना चाहिए, ए से एसोसिएट होना चाहिए, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब यहां अगर रिलेशन बनता है तो ए से एसोसिएट होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ए कोमा ए, एक्स कोमा वाई, x, x, तो हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए। और a बिलोंगिंग टू a, a मस्ट बिलोंग्स टू r, या यूं कहेंगे a इज रिलेटेड विद a, दिस देन रिलेशन को हम क्या कहेंगे, r रिलेशन को हम कहेंगे r इज रिफ्लेक्सिव। इफ फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a इज रिलेटेड विद a, then R is reflexive, relation reflexive होता है। अगर दो sets के सारे element अपने आप से associated हैं तो उनको जो associate करने वाला relation है वो relation क्या कहलाएगा, reflexive, ठीक है। Second, symmetric, symmetric बच्चों, जैसे सेट हो गया हमारा ए, यहां पर भी ए है, मान लो कोई एक ए एलिमेंट बी से एसोसिएटेड है, ए एलिमेंट किससे एसोसिएटेड है, बी से एसोसिएटेड है। एक बात बताओ, ए एलिमेंट फर्स्ट सेट में है तो क्या ए एलिमेंट सेकंड सेट में होगा, हो सकता है, दोनों साइड सेम सेट है, दोनों साइड सेम सेट है तो डेफिनेटली ए यहां भी होगा, और क्या बी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा,
होगा, ठीक है, राइट। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इस ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मीनिंग है कि ए इज रिलेटेड विद बी, ए किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, ठीक है, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब बी भी ए से रिलेट होना चाहिए, बी भी ए से एसोसिएट होना चाहिए, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, एंड आर इज सिमेट्रिक। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, राइट। अर्जुन समझ आया, फॉर ए रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए अर्जुन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सर फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर बी ए मस्ट आल्सो बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। थर्ड, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ए रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R, ABR में belong करता है, BCR में belong करता है, and AC अगर R में belong करता है, AC अगर R में belong करता है तो हम क्या कहेंगे, relation is transitive, if AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to R, relation is said to be transitive। For example, अगर किसी relation में 1-2 है, मतलब वन किससे एसोसिएटेड है, टू से, एंड टू एसोसिएटेड है थ्री से, तो वन अगर थ्री से एसोसिएटेड है, वन किससे एसोसिएटेड है, टू से, टू किससे एसोसिएटेड है, थ्री से, अगर वन थ्री से एसोसिएटेड है तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, करेक्ट। तो बच्चे ये तो टाइप ऑफ रिलेशन, पहला हमने किया यूनिवर्सल रिलेशन, सेकेंड हमने किया एम्प्टी रिलेशन, थर्ड हमने किया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ हमने किया सिमेट्रिक रिलेशन, फिफ्थ हमने किया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है हमें, ए हमें गिवन है, ठीक है, ए गिवन है, ए में क्या है, ए में आई में एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3, 4 दिस टिल 14, राइट। आर हमें एक रिलेशन गिवन है, आर इज इक्वल टू आर हैविंग एलिमेंट एक्स वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए सेट हमें गिवन है, ए में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4 till 14, रिलेशन आर हैज एलिमेंट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 3 1, 3 होगा, 1, 3 राइट, 2, 6 2 and 3 अर्जुन 12 से आगे क्यों नहीं होंगे अर्जुन, सर बिकॉज अगला एलिमेंट 515 होता और 14, अगला एलिमेंट 515 होगा, एलिमेंट दोनों साइड ए के ही होने चाहिए, लेफ्ट साइड में ए है, राइट में भी है, यहाँ का 5 यहाँ के 15 से एसोसिएट हो सकता था, लेकिन 15 यहाँ पर है ही नहीं, राइट। Yes, तो ये क्या, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन बताएगा,
No, sir. This relation is reflexive? No, sir. Reflexive है या नहीं है ये relation? नहीं है सर. ये relation reflexive नहीं है. क्यों नहीं है? Because there is no element which relates to itself. हाँ देखो set A में हमारे पास 1 से लेकर 14 तक element है. या भी 1 से लेकर 14 तक elements हैं. ठीक है. लेकिन 1-1 से associate हो गया. सॉरी 1-1 से एसोसिएट नहीं हुआ ना. अगर होता तो यहाँ पर 1-1 लिखा होता. एज 1 बिलोंग्स टू ए बट 1-1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है. आर रिफ्लेक्सिव नहीं है. करेक्ट. R is not reflexive. Second, symmetric में क्या होगा? Symmetric में क्या होगा? Not बताओ जरा. देखो बच्चों, 1-3 हमारे relation में belong कर रहा है. 1-3 belongs to R, but 3-1 does not belongs to R. Implies R is not symmetric. R symmetric नहीं है. Third, क्या ये ट्रांजिटिव है अनिरुद्ध? Sir, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Wait, 1-3 belong करता है, 3-9 belong करता है, but 9-1 belong नहीं करता. 1-3 belong करता है, but 3-9 भी belong करता है, but 1-9 does not belongs to R. Implies yes, R is not transitive. Transitive. तो जो आज अभी ना इतना ही करेंगे. मुझे एक बार ना कहीं जाना है आज. तो अगर एक क्वेश्चन है. हाँ. इसमें अगर 9-1 belong करता तब क्या करते? नहीं नहीं बेटा 1-9 ही होना चाहिए. इसके लिए तो ये होना चाहिए. इसका फर्स्ट इसका लास्ट यही बनना चाहिए. यही होना चाहिए. चलो बच्चों आज इतना ही करेंगे. ठीक है. मुझे एक बार निकलना है कहीं. तो ठीक है सर. नेक्स्ट क्लास में करते हैं. अच्छा सैटरडे क्लास का क्या टाइम है? एक बार वापस आओ सभी. सैटरडे की क्लास का क्या टाइम है सर? 11:30. कार्तिक है आपका क्या टाइमिंग होता है सर? 12:30 तक. आपकी क्लास कितने बजे तक होती है वहां पर? चलती है. कितने बजे तक? 12:30. प्रोग्राम. आप आधी क्लास में भी ज्वाइन नहीं करते फिर आके वहां से? सर वहां से आने में लाइक 10 मिनट लगते हैं और कभी कभी मैं कार से जाता हूँ तो वेट करना पड़ता है. अच्छा. अनिरुद्ध इधर आओ. 5 मिनट. आपकी राजेश सर के साथ क्लास है? I don't think जाऊंगा सैटरडे को. नहीं जाओगे? पक्का बताओ मुझे. Most probably नहीं होगा. नहीं जाऊंगा. ठीक है फिर हमारा 11:30 है. नहीं जा रहे हो तो अगर जा रहे होगे तो मैसेज कर देना फिर ग्रुप में. फिर हम 12:00 का रख लेंगे. अभी 11:30 है. ठीक है सैटरडे. ओके सर. ओके सर. देवेश आप मुझे मैसेज करोगे जो क्लास आपने मिस की वो देखोगे. भाग गया.